नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। एक तरफ आजम खान, दूसरी तरफ अपर्णा यादव और तीसरी तरफ शिवपाल यादव, तीनों ने यूपी चुनाव के बाद जिस तरह से एक तरह तरह के जो बयान लेके आ रहे हैं, उनसे जुड़ी जो खबरें आ रही हैं, वो अखिलेश यादव के लिए सही नहीं है और अखिलेश यादव के मद्देनज़र ठीक भी नहीं है, खास करके समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां। हम आज एक एक पहलू को समझते हैं कि कौन किसको धोखा दे रहा है और कौन किसके जाल में फंस रहा है और ऐसा गेम बना कौन रहा है। एक तरफ आजम खान को लेकर जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी अखिलेश के लिए ठीक नहीं है, शिवपाल के लिए जो आई वो तो ठीक थी ही नहीं, और अपर्णा ने तो यूपी चुनाव से पहले ही खेल कर दिया। तो एक एक कर आज हम लोग समझेंगे कि आजम खान की जो आज ये नौबत आई है, जो बगावती तौर के खबरें आ रही हैं कि शायद वो समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं, नाराज चल रहे हैं, मुसलमानों का समर्थन नहीं मिल रहा है, अखिलेश ने धोखा दिया है, किसने किसको धोखा दिया, ये तमाम चीज़ें एक एक पहलू से समझने की ज़रूरत है। पहले पूरा मामला क्या है ये समझते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि किसने किसको धोखा दिया और इसका यूपी समाजवादी पार्टी पर कितना फ़र्क पड़ेगा। यूपी चुनाव के बाद बीजेपी की ज़बरदस्त जीत हुई, अखिलेश यादव हार गए, समाजवादी पार्टी हार गए, लेकिन आजम खान जीत गए जेल में रहने के बावजूद, इस वक्त भी जेल में। लेकिन उनके समर्थक का, उनके जो मीडिया प्रभारी, उनका कहना है कि अखिलेश यादव को यानी समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट मिला है मुसलमानों का, लेकिन आज मुसलमानों के खिलाफ जो है नाइंसाफ़ी कर रही है अखिलेश यादव, उन पर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही, उन पर ध्यान उनकी बातों को नहीं सुन रही है। ये हो गया आजम खान के समर्थकों का एक पहलू। अब अखिलेश पर ध्यान देते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद कई ऐसे यादव समर्थक हैं जिनसे हमारी बात हुई, तो उन पर है कहीं पे हमला हुआ, उन पर ज्यादती हो रही थी, उन पर जुल्म हो रहा था, तो उन्होंने अखिलेश यादव के कार्यालय में फ़ोन किया, तो उनके तरफ से भी ये खबरें आई कि क्या अखिलेश यादव सिर्फ इसके लिए बैठे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बगावती जो सुर है ना, वो थोड़ा सा सियासत में पकड़ लिया। अब इसे फ़र्क क्या पड़ेगा अगर ऐसा सही है, ये सब तो इल्ज़ामों का दौर है, लोग कह रहे हैं, हकीकत तो अखिलेश यादव का बयान आएगा तभी पता चलेगा। तो आजम खान अगर वाकई में इस्तीफा दे देते हैं, अगर समाजवादी पार्टी से अलग करते हैं, तो यूँ कह सकते हैं आप कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, अखिलेश यादव ख़त्म हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुसलमानों का पूरा वोट अखिलेश को आजम खान की वजह से ही जाता है। तो अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव को इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अपर्णा के जाने से जितना नुकसान नहीं हुआ, अपर्णा के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शिवपाल भी चले जाएंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आजम खान के जाने से, उनको अलग रास्ता अपनाने से अखिलेश को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो बड़ी खबर भी है। अब दूसरे पहलू पर ध्यान देते हैं। दूसरा पहलू क्या है, वो पहलू ये है कि अब इन तीनों ने जो रुख अपनाया है, अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो वाकई में समाजवादी पार्टी के साथ साथ अखिलेश के सुप्रीमो वो पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लेंगे, उनके लिए आने वाला दिन ठीक नहीं होगा। देखते हैं कि अखिलेश यादव इस पर क्या आधिकारिक बयान देते हैं, और ये भी देखना होगा कि अखिलेश यादव, आजम खान, शिवपाल यादव और अपर्णा को लेकर अपना रुख क्या अपनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बड़ी खबरों के लिए देखते रहे एसपी9 न्यूज़। नमस्कार।